अगर आपने ज्यादा सीटियां बजाई तो मैं डांस करना शुरू कर दूंगा. अगर आज के इस सेशन से सिर्फ एक चीज आपको अपने घर लेकर के जानी है, आपको लेके जाएंगे. ये ऐसे डायलॉग लड़के ही क्यों बोलते हैं? काश कि किसी लड़की ने बोला होता. हाँ जी, आई लव यू. सेम हियर डार्लिंग. मस्ती करनी है, ज्यादा सीरियस नहीं होना है, ना मुझे होने देना है. क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब मैं सीरियस हो जाता हूं अपने सेशन में तो मैं क्या करता हूं, पता है ना? कि एक बार मेरा सेशन भारी हो जाता है तो सबका सर भारी हो जाता है. बाहर निकल करके सब गालियां देते हैं, कहते हैं ये क्या किया इसने भाई, कुछ नहीं समझ आया, सब ऊपर से निकल गया. तो आज कोशिश करेंगे, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा इस सेशन को हल्का फुल्का रखने की. मैं अगर बीच में कहीं सीरियस हो जाऊं तो आप मुझे यहाँ पे इशारा कर देना, मैं यहाँ पे देखूं. और ये तो फन की बात करनी थी, ये क्या हो गया एकदम से? आत्मा बीच में कहाँ से आ गई? ये मैं बाबा कैसे बन गया? बोल संदीप दरबार की. ले लो मेरी, ले लो. अच्छा, इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं या आप कुछ बोलो, एक परमिशन मांगना चाहूंगा मैं यहां पर उन लोगों से जो एज में थोड़े से ज्यादा है, अंकल आंटी टाइप के लोग. कई ऐसे आजकल मॉडर्न भी होते हैं अंकल आंटी. हाँ, मैं देख रहा हूँ पीछे एक अंकल आंटी हाथ पकड़ के बैठे, उनको इससे कोई मतलब नहीं है. इनको एक कॉर्नर सीट चाहिए थी, मिल गई है. पता है बाकी सब लोगों का ध्यान इधर है, अपना करता रहा जो कर रहा है. तो मैं एक परमिशन मांगना चाहूंगा उन सब लोगों से जिनकी सोच थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, कि अगर आज मैं यहां पर कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स टच करूं, जैसे कि सेक्स या पॉर्न, तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप लोगों की तो शक्ल से ही लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम नहीं है. आंखों में चमक आ गई एकदम सेक्स के नाम. कुछ मजा आएगा. मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो लोग थोड़ा सा कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से, एनीबॉडी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम? अब ये मैं इसलिए परमिशन लेता हूँ आप लोगों से क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता होता कि मैं किस जोन में कब एंटर करूंगा. और एक बार अगर मैं किसी टॉपिक को पकड़ लेता हूँ और उसकी डेप्थ में जाता हूँ तो फिर जाता ही चला जाता हूँ. तो अब अगर वो टॉपिक SEX हुआ तो ये सेशन कहीं भी जा सकता है. ऐसा ना हो कि वहां से लोग जूते निकाल निकाल करके रगड़ते हैं. तो अपने जवान बेटे के साथ में आया हूं और सारी पोल खोलता चला जा रहा है एक एक करके. कौन था ये? कौन है ये जो भरा हुआ है इतना ज्यादा? खड़े होकर के बोलिए, क्या बोला आपने? मैंने सुना नहीं है. अच्छा, बाप भी कभी बेटा था. वो बंदा ऊपर खड़े होकर के ऐसे ऐसे कर रहा है, स्टार ऑफ द मॉर्निंग. क्या बात है, मॉर्निंग शो का स्टार, सुपरस्टार. क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं. हेलो एवरीवन, एंड संदीप महेश्वरी सर, स्पेशल हेलो टू यू. नमस्कार. प्रोफेशनली मैं एक टीचर हूँ और आजकल के टाइम में जो मैं एक बहुत बड़ी सिचुएशन को फेस कर रही हूँ, एक प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ, वो मैं उसका सलूशन मैं आपसे जानना चाहती हूँ. कि प्रॉब्लम ये है कि आजकल जो मीडिया के थ्रू या सोसाइटी में जितनी वल्गैरिटी जो है जो फैल चुकी है, उसको बीइंग अ टीचर मुझे बहुत मुश्किल से जो है टैकल करना पड़ता है. क्योंकि आप समझ सकते हो आजकल हर तरीके के टर्मिनोलॉजीज, आप TV बंद नहीं कर सकते, आप बच्चों को उन क्या कहते हैं वल्गर गानों से दूर नहीं रख सकते, आप उन वल्गर मैगजीन से दूर नहीं रख सकते. मोर ओवर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कैफे में जाके तीन तीन घंटा लगाते हैं. वो क्या देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, क्या करते हैं? वो सब बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे. इट्स अ गुड क्वेश्चन, या आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट, फिर मैं उसके ऊपर आऊंगा. बच्चों का वो जो डिस्ट्रैक्शन है इस एज में स्पेशली, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? क्योंकि अभी वो सीख रहे हैं उस चीज को
और यू नो आजकल के न्यूज़पेपर्स आप उठा के देख ही सकते हैं कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं. बिल्कुल ठीक बात है. मैं ये नहीं कह रही कि आप पढ़ते ही जाओ, लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पे और भी बहुत सारी चीजें हैं. हम अपने टाइम पे चाचा चौधरी पढ़ते थे, गेम्स खेलते थे, आउटडोर. मैं भी पढ़ता था चाचा चौधरी. आई वोंट बी सरप्राइज अगर चाचा चौधरी के नाम से कोई नई पॉन्ड निकल के आ जाए. माँ बाप भी खुश, बच्चे भी खुश. इट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन. मैं मजाक में बात कर रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि बच्चे बहुत छोटी एज में, यानी कि 10-12 साल की एज में, जब हमारी एज में, मतलब कि मेरे ऐसे बुजुर्ग, हम चाचा चौधरी पढ़ते थे, नागराज पढ़ते थे, हाँ स्पाइडरमैन तो अभी भी देखते हैं, लेकिन अब वो किसी और जाल में फंसे हुए हैं. समझे मेरी डबल मीनिंग बातें समझने की कोशिश किया करो, थोड़े अलर्ट रहो. हम बचपन में स्पाइडरमैन के जाल में फंसे हुए थे, वो किसी और जाल में फंस गए हैं. ऐसा नहीं है, बच्चे खुद नहीं निकलना चाहते इस जाल से, लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता कि कैसे निकलना है. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. इसको ध्यान से समझना, बिकॉज मैं अब इस प्रॉब्लम की थोड़ा सा डेप्थ में जाऊंगा, बिकॉज हमारी सोसाइटी के लिए चीज बहुत जरूरी है कि इसका सोल्यूशन क्या है. कि जो बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन वो होगी कैसे. सोसाइटी पिछले 20 साल में बहुत तेजी से चेंज हुई है. जो इंटरनेट इतनी तेजी से पेनेट्रेट हुआ है, उसकी वजह से इतने मेजर चेंजेस आ गए हैं कि लोगों की सोच एक अलग डायरेक्शन में चली गई है. अगर लोगों की सोच देखनी है, जो यंग जनरेशन है उनकी सोच देखनी है, तो आज की मूवीज को देखो. देखो यूट्यूब पे किस तरह की वीडियोस है, क्या क्या हो रहा है. मेरी वीडियोस को छोड़ दो, क्योंकि वो तो एक्सेप्शंस है. करोड़ों वीडियोस में 40-50 वीडियो मेरे टाइप की मिलेगी, बाकी करोड़ों कौन सी है. उन करोड़ों वीडियोस के ऊपर करोड़ों व्यूज कौन से हैं. लोग देख क्या रहे हैं, लोग कर क्या रहे हैं, लोग सोच क्या रहे हैं. जो देखेंगे वही सोचेंगे, जो सोचेंगे वही करेंगे. कैन यू डू एनीथिंग विदाउट थिंकिंग. सोचो. अगर आपको यहां से वहां तक चलना भी है, तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे आगे चलना है, मुझे पीछे जाना है. अभी सोच बनती कैसे है. जिस बेस पे आप जो चीजें देखते आए हो, उसमें से जिन चीजों से आप अट्रैक्ट हो गए हो, आपका मन करेगा उन सारी इमेजिनेशंस को प्रैक्टिकली सच बनाने का. यस और नो? एग्जैक्टली. तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है. देखो गैप कितना बड़ा हो चुका है. आज अगर आप किसी 18-19 साल के लड़के से या लड़की से बात करोगे, तो उनके क्वेश्चन पता कैसे होते हैं अकेले में. शादी से पहले सेक्स करना ठीक है या नहीं है, सोचने वाला पॉइंट है. हाँ, सबके सामने नहीं पूछते, बट ये ऊ से मैं आइडिया लगा सकता हूँ सबके माइंड में क्वेश्चन घूम रहा है. अब अगर जो पेरेंट्स हैं उनसे जाकर के वो पूछेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे. कुछ कहेंगे या कुछ करेंगे. जब भी ऐसा कुछ होता है तो बाप के अंदर का अमरीश पूरी जाग जाता है. नहीं सिमरन, नहीं. राज के साथ मत करियो. ऐसी ऐसी चीजें हमको सुनने को मिलेंगी अगर घर पे जाकर के बोला तो. हम फ्रेंड्स के पास जाएंगे और जाकर के उनसे बात करेंगे तो क्या सुनने को मिलेगा. बोलो, जवाब दो कि अगर आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करोगे कि भाई शादी से पहले हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पहले तो वो हंसेंगे मुंह नीचे करके, कहेंगे अबे तो अभी तक वर्जिन है. ये बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में. यहां पर प्रॉब्लम क्या है, लोगों की जो हालत है ना, वो पता है कैसी है. वो ना एक ऐसे चूहे की जैसी है जिसके सामने से एक बिल्ली आ रही है उसको खाने के लिए, और चूहा आंख बंद करके बैठा हुआ है. चूहा ये सोच रहा है कि अगर मैं बिल्ली को नहीं देख पा रहा, तो बिल्ली भी मुझे नहीं देख पा रही. मतलब के जब तक ऐसा कुछ नहीं होता उनकी फैमिली में, तब तक पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चों के साथ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, हमारे बच्चे तो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते. और जब हो जाता है तो बौखला जाते हैं. मतलब प्रॉब्लम होने के बाद में हम सिर्फ पोस्टमार्टम करते हैं, कुछ हो गई गड़बड़. मान लो बेटी की अबॉर्शन की नौबत आ गई, तब तो हम पूरा रायता फैला देंगे, मार कुटाई भी करेंगे, लड़ाई झगड़ा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे. उससे पहले कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि क्या कभी मदर ने, फादर ने, या टीचर्स ने, या स्कूल ने, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सेक्स एजुकेशन के थ्रू या किसी भी तरह से उससे किसी ने बात करी इन चीजों के बारे में.
हाँ नहीं करी, कहीं नहीं करी। पीछे गवर्नमेंट की तरफ से एक सेक्स एजुकेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ था, अगर उसको आप देख लोगे तो असद से पेट दर्द हो जाएगा। हमें इससे लाख गुना ज्यादा हमें पता है, हमसे आकर पूछ रहे तो कोई बात नहीं कर रहा। तो अब वो बात किससे करेगी? सिमरन बात किससे करेगी? राज से। टन 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 टन। और राज उसको कहां लेकर के जाएगा? खेतों में। पूछेगी, राज पे भरोसा करेगी, क्योंकि राज के बारे में घर वालों को कुछ पता नहीं है, क्योंकि जहां उसने घर वालों को कुछ भी एंगल दिया मुंह से भी निकला राज, तो उसका सारा काम काज खत्म हो जाएगा, छित्तर पड़ेंगे, मतलब बुरी तरह से मार पड़ेगी। तो वो क्या कहती है, ये गैप इतना बड़ा है, क्यों घर वालों से बात करनी है, क्यों पंगे लेने हैं? मतलब घर वाले बात कर नहीं रहे, टीचर्स कर नहीं रहे, स्कूल में कहीं हो नहीं रही, बड़े को ये बातें करते नहीं है, सब आपस में बातें कर रहे हैं। उनके पास में बात करने के लिए या ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए उनके फ्रेंड्स हैं और कोई नहीं। उनके वो फ्रेंड्स जो अंदर से भरे पड़े हैं। क्यों भरे हुए हैं? ये देखो कितने भरे हुए हैं। क्यों भरे हुए हैं ये लोग, इतना क्यों भरे हुए हैं? क्योंकि इन्होंने मेरी तरह और आपकी तरह चाचा चौधरी तो देखा नहीं है, इन्होंने कुछ और ही देखा है। ये खुद चाचा बने हुए हैं सारे के सारे, खुद चौधरी बने हुए हैं। मेरे को सिर्फ एक सोल्यूशन समझ आता है इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम का, कि पेरेंट्स को बच्चों की नजर से इस दुनिया को देखना होगा, समझना होगा, उनके लेवल पे आकर के बात करनी होगी, ताकि उनको सही गाइडेंस मिल पाए। और ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। प्रॉब्लम को इग्नोर करने से क्या प्रॉब्लम का कभी सोल्यूशन निकल सकता है? यस नो? ये सोचने से कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है सोसाइटी में आ रही है, दूसरों को आ रही है, उसके घर में आ रही है, उसके घर में आ रही है, टीवी में आ रही है, सब जगह आ रही है, लेकिन मेरे घर में ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ये सोचने से सोल्यूशन निकलेगा? यस नो? सोल्यूशन सिर्फ तब निकल सकता है जब हम चीजों को उनके नजरिए से देखें, स्टेप बाय स्टेप उनके नजरिए से देखें, आराम से समझें कि एग्जैक्टली उनके माइंड में चल क्या रहा है, माइंड की हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएं। हम पहले ये देखें कि जो भी हम करते हैं एज पेरेंट्स हम क्यों करते हैं। आज आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, क्यों बताओ? अपना कोई ना कोई सपना सच करने के लिए? यस और नो? हाँ, कि मेरा सपना है कि मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बैंक बैलेंस चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो। कोई ना कोई सपना है, कोई ना कोई डिजायर है, कोई ना कोई इमेजिनेशन है जिसको वो रियलिटी बनाना चाहता है। सेम ऐसे ही बच्चों का है, एग्जैक्ट ऐसे ही बच्चों का है। बच्चों के माइंड में किस तरह के सपने बनेंगे ऐसी वीडियोस देख करके? मुझे पता है आप लोगों का लैपटॉप भरा पड़ा है ऐसे डेटा से। तीन दोस्तों को बिठाया, तेरे लैपटॉप में कितना डेटा पड़ा हुआ है? 20 GB। तेरे में कितना है? 10 GB। अबे तेरे पास तो बड़ा नया माल है, ये 80 GB। एक भी बात अगर मैं गलत बोलूँ ना, मुझे वहीं बीच में रोक देना, अगर मैं एक भी बात ऐसी बोलूँ जो रियलिटी से कनेक्टेड नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है, हम रियलिटी को नहीं देख रहे, सोचे जा रहे हैं कि मैं बाप हूँ, वो मेरा बेटा है, तो उसको ऐसा ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? दुनिया में कुछ और हो रहा है, जो हो रहा है वही तो करेगा, और मेरे कहने से क्या होता है? और जितना ज़्यादा मैं कहूँगा कि तुझे यही करना चाहिए, उतना ही वो नहीं करेगा। ये बात हमको समझ क्यों नहीं आती है? और जब अपने को समझ आ जाए कि रोका नहीं जा सकता है, If you can't beat them, join them. This is the golden rule. कि अगर ये दुनिया बदल रही है तो हम भी बदल सकते हैं। हम अपने बच्चों के साथ तेजी से बढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं उनके साथ में बैठ करके मूवी देखें। But there are lot of ways of doing it. Most important is जैसे आपके बच्चे बड़े हो रहे हो, उनको जाकर के क्लियर कट तरीके से बोल दो। कोई भी वो सवाल पूछे उल्टा सीधा घुमा फिरा के जवाब मत दो, सीधी सीधी बात करो। ये चीजें मैं कर रहा हूं अपनी लाइफ में, फिर आपको बोल रहा हूं, जिससे क्या होगा, एक बॉन्ड बिल्ड हो जाएगा, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा बच्चों के बीच में और पेरेंट्स के बीच में। ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? बच्चों को ये लगेगा कि माँ बाप तो हमको हमेशा ही बेवकूफ बनाते हैं, कहानियां सुनाते रहेंगे उनको, तो क्या होगा, गैप और बढ़ता चला जाएगा। क्लियर बात करो ना,
आप नहीं करोगे कोई और करेगा। तो इससे अच्छा है कि उनके अंदर जो हजारों क्वेश्चंस उठने वाले हैं बचपन में वो उठ रहे हैं, वो आगे के आपसे पूछने लग गए। तो अब क्या होगा, जैसे ही आपने जो भी आंसर्स उनको दिए हैं, इसको ध्यान से समझना, उनके जो साथ के बच्चे हैं वो उससे कोई अलग बात करेंगे तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वो आकर के आपसे डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे ये बॉन्ड बनेगा, जैसे जैसे ये बॉन्ड स्ट्रांग होता चला जाएगा, ऑटोमेटिकली आप कुछ कर सकते हो, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों उनसे बात करनी है उस जमाने की, कि हमारे जमाने में तो ये होता था तो तुम्हें भी यही करना चाहिए। क्या ही आप सोते थे चन्ना मामा की कहानियां सुन सुन करके, वो सोते हैं पता नहीं क्या सुन सुन करके, और देख देख क्या जमाना बदल चुका है, पूरी तरह से सब कुछ बदल चुका है, कुछ भी सेम नहीं रहा है। तो जहां आपने अपनी तकियानुसी बातें उनसे करनी शुरू करी, डिस्कनेक्ट हो गए, बहुत बुरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए। आप कुछ बोल रहे हो गए, वो बोलते रहे बड़बड़ फिर अपने टाइम में, हमारे टाइम में। और हमारे टाइम में उनसे पूछो कि जब वो बॉबी मूवी लगी थी आपके टाइम में कितनी बार गए थे देखने के लिए, हम तुम्हें कमरे में बंद हो, कितनी बार बंद हुए थे पूछो उनसे। क्या उस वक्त आप अपने आप को रोक पाए थे? नहीं। तो अब आप बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हो? आज की जो सिचुएशंस है उसमें अगर आज के माँ बाप को ला करके डाल दिया जाए तो उनका उन बच्चों से भी बुरा हाल हो सकता है, फैक्ट है। हमें पहले एक प्रॉब्लम को समझना है, अगर हम उनको समझ पाए तो हम क्या बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं करना है, हम कहेंगे तेरी एज हो गई 18 साल से ऊपर, अगर कम है तो इलीगल है, पकड़ा गया है पकड़ी गई तो बहुत बुरे तरीके से फंस सकते हो, ठीक है, एक बार 18 साल के हो जाओ उसके बाद में तुम्हारी मर्जी। लेकिन अब जैसे आपने लेकिन बोला, अब वो सुनने के लिए तैयार है, बिकॉज नाउ दे सी यू एज अ सेंसिबल पर्सन, एज अ लॉजिकल पर्सन, एज अ रीजनिंग पर्सन, अब वो सुनेंगे आपकी बात। बोलो लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, इसको करने के क्या प्लस माइनस है और इसको नहीं करने के क्या प्लस माइनस है उसके बारे में थोड़ा सा सोच लेना, कि किसी के साथ भी ऐसा रिलेशन बनाने से पहले एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि क्या आप उसको ट्रस्ट करते हो या नहीं करते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात सिर्फ आप बोल सकते हो उसको, समझो प्रॉब्लम की जड़ को, ना उसके दोस्त बोलेंगे ये बात उसको, वो क्या कहेंगे, अरे करना क्या फर्क पड़ता है, ब्रेकअप कर दियो उसके बाद दोस्त इस तरह की सलाह देंगे। एज पेरेंट आप आकर के क्या बोल सकते हो, देखो अगर कभी भी ऐसा डिसीजन तुम लेती हो या ऐसा डिसीजन तुम लेते हो, एक चीज याद रखना कि सामने वाले पे तुमको ट्रस्ट हो। तुम अपनी तरफ से ये सोच करके कर रही हो कि ठीक है मैं ये करके भूल जाऊंगी, हो सकता है सामने वाला बंदा ना भूले, उसके बाद जिंदगी भर के लिए हमारे घर के बाहर में चक्कर लगाए, हो सकता है तुम्हारी वीडियो बना ले, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है तुम्हारी शादी हो जाए किसी और के साथ में और वहां पर जाकर के किसी तरह का सीन क्रिएट कर दे। तो अब क्या होगा, इन केस अगर कोई रायता फैला भी, कुछ गड़बड़ हुई भी, तो वो लड़का या लड़की, आपका जो बेटा है या बेटी है, वो आकर के सबसे पहले आपको बताएंगे, विच इज वेरी गुड। सोचो कुछ गड़बड़ हो गई, उसके बाद में अगर वो इस दुनिया के पास चले गए तो दुनिया क्या करेगी उनका, हर आदमी अपना फायदा उठाने के बारे में सोचेगा, सिर्फ पेरेंट्स अपने बच्चे का फायदा सोच सकते हैं और कोई नहीं। मान लो आपको समझ नहीं है इन सब बातों की और आपके फ्रेंड ने कहा कि हाँ ठीक है इसमें क्या बड़ी बात है, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के उस होटल में चला जा, गर्लफ्रेंड ने भी अपना दिमाग नहीं लगाया, दिमाग लगाएगी क्यों, कौन दिमाग उसका लगाएगा, मूवी से उसकी सोच बनी है, दोस्तों के साथ में जैसी बातें करी हैं, अंदर एक्साइटमेंट बड़ा पड़ा है, अंदर कुछ ट्राई करने का मन कर रहा है, प्रैक्टिकली करेगा ही, इंसान है तो करेगा, रॉबर्ट है तो नहीं करेगा, है कि नहीं, गलत कह रहा हूं, इंसान है और उसने कुछ इंसानों को करते हुए देखा तो उसका करने का मन करेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, इस सच को झूठ नहीं किया जा सकता है। तो अब हुआ क्या, वो लड़की और लड़का किसी ऐसे होटल में चले गए जो गलत तरह की जगह है, वो जो होटल वाला है मालिक है उसको पता है अगर आप वो कमरा उससे लोगे तो उसको मिलेगा 500 रुपए या 1000 रुपए,
अगर उसने अपने एक दोस्त को बुला लिया जो पुलिस वाला है और वहां पर आ गया, तो उसको कितना पैसा मिल सकता है? आपका बेटा और आपकी बेटी क्या बोलेंगे वहां पे सबसे पहले उस पुलिस वाले को और उस होटल वाले को कि प्लीज मेरे पापा को मत बताना, मेरी मम्मा को मत बताना? क्या हो रहा है ये? और ये चीजें होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से माइंड कंडीशन हो रहा है ना ये वीडियोस देख देख करके, और जिस तरह से जिस ट्रैक पे दुनिया जा रही है, ये चीजें होनी होनी है, हो रही है और अभी और बड़े स्केल पे होनी है। और कब आपके घर में होगी आपको पता भी नहीं लगेगा। इस इल्यूजन में जीते रहो कि हाँ ये औरों के सबके साथ हो सकता है, मेरे बेटे के और मेरी बेटी के साथ नहीं हो सकता। इस गलतफहमी में जीते रहो। कितनी बुरी तरह से वो फंस सकते हैं। वो पुलिस वाला आकर के कैसी भी डिमांड आपकी बेटी के सामने रख सकता है। वो कहेगा ठीक है, तू यही चाहती है ना कि मैं तेरे पापा को ना बताऊं, तेरी मम्मा को ना बताऊं? नहीं बताऊंगा, तुझे ये करना पड़ेगा। क्या कहेगी वो? इस बात को ना हमको अच्छे तरीके से समझना है अगर हम इंडिया का अच्छा फ्यूचर चाहते हैं तो। के इस दुनिया में, इसको गांठ बांध लेना इस बात को, ये बच्चों के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है। इस दुनिया में अगर सबसे सेफ, सबसे सिक्योर, सबसे ज्यादा एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पर आप ब्लाइंड फेथ कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो आंख बंद करके एक दूसरे के ऊपर, तो वो है मां बाप का अपने बच्चों के साथ। और किसी पे नहीं कर सकते, दोस्तों पे नहीं कर सकते, दुनिया पे नहीं कर सकते, लोगों पे नहीं कर सकते। हर आदमी अपना फायदा उठाने के बारे में सोच रहा है। आपके बच्चे के अच्छे फ्यूचर के बारे में कौन सोच सकता है आपके अलावा? सिर्फ और सिर्फ आप। कि अगर ऐसा कुछ हो भी गया, मान लो आप एक फीमेल हो और आपके किसी फ्रेंड ने कुछ गड़बड़ कर दी, कोई वीडियो बना ली, फोटोज खींच ली, तो उस वक्त आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहो जो करना है कर ले, मेरे पापा हैं मेरे साथ में, है ना? ये जो गैप है, किसी भी तरह का कोई भी गैप है, जिसको हम कम्युनिकेशन गैप बोले, जनरेशन गैप बोले, कुछ भी बोलते रहे, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? बिना डिस्कशन के नहीं किया जा सकता। तो मैं बात यह कर रहा हूं कि डिस्कशन कैसे हो, सही तरह की डिस्कशंस, सही तरह की बातचीत बच्चों के साथ में, कि इसको करने से क्या होता है, उसको करने से क्या होता है। चलो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम मुझे बताओ कि इसको करने से क्या होगा। उनको दिमाग चलवाना शुरू करो किसी तरह से, और ये बड़ा आसान है अगर ये किया जाए तो। मतलब उनका दिमाग चलने लग जाए और जैसे ही वो कुछ बोले उनको अप्रिशिएट कर दो। अपनी वाइफ को बोलो यार इसका दिमाग कितना तेज हो गया, छोटी सी चीज है, इसकी वजह से कितना बड़ा चेंज आ सकता है। कैन यू इमेजिन कि इसका दिमाग कितना तेज हो गया है? हम बोलते तो हैं लेकिन किन चीजों में बोलते हैं? ये पोएम याद कर लेती है, इसका दिमाग बहुत तेज है, है? वो तो तोता भी याद कर लेगा, उसको दिमाग तेज करना नहीं बोलते हैं। मेमोरी में कुछ भरना और बोलना उसको रोबोट बोलते हैं, वो काम रोबोट भी कर सकता है। रोबोट के अंदर कुछ फीड कर दो और वो बोल सकता है। समझदार तब कह सकते हो आप अपने बच्चों को, दिमाग तेज तब बोल सकते हो आप अपने बच्चों का जब वो सोच पाए, अपने सही और गलत के बीच में फर्क कर पाए। अगर वो फर्क कर पाए तो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर उनको ये फर्क करने की आदत ही नहीं पड़ी बचपन से ही, उनको बस स्पून फीड कर दिया गया, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, ये करना है, पढ़ 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 पढ़, बन गया तोता। आ गया एक और तोता हमारी सोसाइटी में, वो अपने बच्चों के साथ भी यही करेगा, पढ़ 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 सब पढ़ 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 पढ़। जी तो मैंने जो कुछ भी कहा उसको एक वर्ड में आप समअप कर सकते हो, डिस्कशन। प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है, डीपली बात करनी है, खुल के बात करनी है। ये बात करने से क्या होगा? जो भी होगा, जैसा भी होगा, ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन वो उससे लाख गुना बेटर होगा अगर बात ही नहीं करी हमने आपस में तो।